सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है। सपा सांसद निरहुआ यादव कई जगहों पर शानदार तरीके से लीड करते हुए दिख रहे हैं। कई बूथों पर दिखा कि वोटरों में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा विशेष तौर पर उनके मन में रहा कि, और खास तौर पर युवा मतदाताओं की बहुत एक तरीके से कांटे का टक्कर है, कहीं हुआ 20 कहीं हुआ 20। और बसपा, जहां तक सवाल है बसपा का, तो बसपा निश्चित रूप से कहीं फाइटिंग में नज़र नहीं आई है। देखिए, आजमगढ़ का जहां तक मामला है तो निश्चित रूप से बेझिझक उसको बेझिझक कहा जा सकता है। जो राजनीति का कगहरा भी नहीं जानता है उसको भी पता है कि यहाँ आमने सामने की लड़ाई है, सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है। सपा सांसद निरहुआ यादव कई जगहों पर शानदार तरीके से लीड करते हुए दिख रहे हैं। हम लोगों ने दौरा भी किया था कई जगहों पर, और वहीं कई जगहों पर धर्मेंद्र यादव लीड कर रहे थे। तो जो पीछे माजरा है हमेशा से MY का यहाँ समीकरण रहा है, गुड्डू जमाली अब इधर चले गए हैं, उनका भी फैक्टर जो है काफ़ी हद तक दिखा और समझ में आया। तो इस हिसाब से ओवरऑल हम देख सकते हैं कि बहुत एक तरीके से कांटे का टक्कर है, कहीं हुआ 20 कहीं हुआ 20। और बसपा, जहाँ तक सवाल है बसपा का, तो बसपा निश्चित रूप से कहीं फाइटिंग में नज़र नहीं आई है। एक कहीं वोट काटते हुए जरूर दिखे हैं, लेकिन बसपा का जो वह वोटर भी है वह कहाँ गया है यह बड़ा डिपेंड करेगा चीज़ों पर। आजमगढ़ का चुनाव जो है पूरी तरह से जातीय समीकरण पे है, और भाजपा का इस बार जो राशन का मुद्दा था मुख्य, जो है जो मूल वोटर थे राशन वाले, वो इस बार थोड़ा सा इस कन्वर्ट हुए हैं कि ये हमारा अधिकार है, और अधिकार को लेते हुए थोड़ा सा ये डैमेज हुआ है कि ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए और मिलेगा और सरकार देगी। इस मुद्दे पे जो है वो थोड़ा सा, और जो युवा वर्ग है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुआ है, और हरिजन वोट भी जो है इस बार, दलित वोट जो है वो भी गठबंधन की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है। जो 40 के नीचे के युवा हैं वो जो है संविधान के नाम पे वोट जो है क्या है जो है गठबंधन की तरफ। क्या लग रहा है आजमगढ़ में कैसा रहेगा? आजमगढ़ में जो पूरी उम्मीद है कि सीट जो है दोनों सपा के हाथ में जाएगी। आजमगढ़ में इस बार चुनावी समीकरण बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा विशेष तौर पर रहा है। ठीक है, कुछ मुद्दों पर विकास की बात को लेकर भाजपा की तरफ शुरुआती दौर में मतदाताओं का रुझान जरूर रहा, लेकिन मतदान के दिन ऐसा दिखा, कई बूथों पर दिखा कि वोटरों में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा विशेष तौर पर उनके मन में रहा, कि और ख़ास तौर पे युवा मतदाताओं का। तो क्या लग रहा है कैसे क्या समीकरण बनेगा? समीकरण तो यह है कि लड़ाई कांटे की है, लेकिन फिर भी अभी तक जो वोट पड़े हैं, मतदान हुआ है, उसमें पल्ला जो है अभी सपा के धर्मेंद्र यादव का भारी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।